मिलेगी। ये लोग मीडिया आज बंद है इस पर, कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइनो बचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया होता वाली, इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती? आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है, बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, मैं बोल रहा हूँ, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी, देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ, और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है यही कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है, बिल्कुल हिंदू चुप रहने वाले नहीं है भारत, बता दीजिए क्या आज हिंदू समाज चुप रहेगी? बिल्कुल अर्णव भाई, बिल्कुल हिंदू समाज चुप रहने वाला नहीं है। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति की